युवक ने चुनाव लड़ने के लिए उधार ली दोस्त की पत्नी, जीत के बाद बदली नियत, फिर कुछ हुआ ऐसा। उधार लेने वाले दोस्तों का मकसद क्या होता है दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आप भी अपने किसी दोस्त को उधार दे रहे हैं कोई भी चीज, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक दोस्त ने अपनी ही दूसरे दोस्त की पत्नी को कागजों में अपनी पत्नी दिखाने के लिए उधार मांग लिया और ये कहा कि चुनाव के बाद वो उसकी पत्नी को लौटा देगा। उत्तराखंड से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो भी सुन रहा है वो हैरत में है, क्योंकि एक शख्स के ऊपर चुनाव का भूत सवार था। चुनाव जीतने के लिए उसने अपने ही दोस्त की बीवी को उधार लिया और कहा कि चुनाव के बाद वो पत्नी वापस लौटा देगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसने दोस्त को धोखा दिया, पत्नी वापस नहीं की। दरअसल 2 साल पहले मुरादनगर के रहने वाले एक शख्स पर नेतागिरी का भूत सवार था। उसने चेयरमैन की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दोस्त से कहा कि वो अपनी पत्नी उधार दे दे। उसका मकसद ये था कि वो दोस्त की पत्नी को कागजों में अपनी पत्नी दिखाएगा और बाद में पत्नी लौटा देगा। शख्स ने भी हाँ भर दी। अब हुआ ये कि महिला चुनाव जीत गई, चेयरमैन बन गई। चुनाव जीतने के बाद दोस्त की नीयत बदल गई, उसने अपने दोस्त को पत्नी वापस नहीं की। इतना ही नहीं, पत्नी भी अब अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती। उसने पति के दोस्त को ही पति मान लिया, पति के साथ हुए बच्चों को छोड़ दिया। अब खबर ये है कि महिला और दूसरे पति के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो महिला ने अपने मौजूदा पति और उसके भाई पर दुष्कर्म की कोशिश का